नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके शंखं चक्रं जलौकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग माधव निदान अभी पढ़ेंगे। मैं असली में ना चेक कर रहा था कि कितने लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर्स तो होते हैं डेली, लेकिन कितने लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी तो जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अतिसार निदानम देखेंगे। ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, बीच में ब्रेक हो गया। आप लोग भी अपना अपना मत बोलिएगा, भले हमारे पास एक स्टूडेंट रहे या कोई स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन हम शास्त्र पढ़ेंगे। बाद में लोग रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी ये अतिसार निदानम के बारे में माधव निदान में ऐसा बताया है कि गुरुवती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रवस्थूलाति शीतलैहि विरुद्धाध्यासना जीर्णे विषमश्चापि भोजनैहि स्नेहाद्यैरति युक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषयैर्भयैहि शुकाद दुष्टाम्बु मद्याति मद्य अतिपाने सात्य सात्मे ऋतु पर्यायी जलाभिरमणैर्वेगे विघातैहि कृमि दोषतः नृणं भवत्यति सारो लक्षणं तस्य वक्षते। इसका मतलब यह है कि अतिसार जो रहता है वह कैसे होता है, तो यहाँ पर गुरु अन्न ऐसे सारे हेतु बताए हैं जो अग्नि को उपहत करते हैं। और दूसरा बात है कि अतिसार व्याधि, ये स्पेशल अतिसार का चैप्टर है, तो अतिसार व्याधि को उत्पन्न करने वाले सारे हेतुओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और क्या होता है कि समय बदलता है और देश बदलता है, खान पान बदलता है, लेकिन ये मतलब आयुर्वेद जो बताता है कि गुरु पदार्थ, अब गुरु पदार्थ में पिज्जा बर्गर भी आ सकता है, पहले के जमाने में कुछ और खाद्य पदार्थ होते थे, लेकिन जो गुरु शब्द है ये टर्मिनोलॉजी हर सब ये बदलेगी नहीं। उष्ण पदार्थ, भले उस टाइम पे कुछ और चीजें होती होंगी उष्ण, आज कुछ है अलग है, रुक्ष चीज पहले कुछ और होता था अभी कुछ, मतलब द्रव का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है यह कभी नहीं बदलती है। तो ये बता रहे हैं कि गुरु भोजन करने से, मतलब मात्रा में बहुत ज्यादा गुरु खा लिया, स्वभाव में बहुत ज्यादा गुरु खा लिया, मतलब एक तो हैवी डाइट कर लिया, या फिर जो चीज बहुत ज्यादा हैवी है, पचने में हैवी है, जैसे कि हम लोग दाल वगैरह बहुत ज्यादा खा लिए, मतलब अभी महाराष्ट्र में लोग हैं वह दाल वाटी वाले चीजें बहुत ज्यादा खा लिए, या पर पूरन पोड़ी जो रहता है बहुत ज्यादा खा लिए, बहुत ज्यादा, तो यह सब स्वभाव में जो गुरु है, या फिर जो नॉनवेज है बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिए, या पाक में गुरु अन्न खाने पे, या फिर गुण में जो गुरु है, इन सब का भोजन बहुत ज्यादा खा लिए जो अग्नि को उपहत करता है, ऐसा भोजन कर लिए तो क्या होगा कि अग्नि मंद हो जाएगा। फिर अति स्निग्ध पदार्थ, जैसे बहुत ज्यादा आपने पूड़ी खा लिया, या फिर आपने मालपुआ खा लिया जो तेल में बनाए हुए डीप फ्राइड, वो चीज बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा रुक्ष पदार्थ खाए, जैसे अभी स्निग्ध पदार्थ भी नुकसानदायक है, अति सर्वत्र वर्जित,
अति स्निग्ध पदार्थ भी नुकसानदायक है और अति रुक्ष पदार्थ भी। जैसे कि आपने, आपके अग्नि उतनी अच्छी नहीं है, और आपने कच्चा चावल खा लिया या फिर आपने बहुत ज्यादा कच्चा चना खा लिया, तो ये बहुत ज्यादा रुक्षता उत्पन्न करता है। या फिर बहुत ज्यादा उष्ण पदार्थ खा लिया, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म गर्म चीजें कंटिन्यू आप खा रहे हैं, उष्ण विरियात्मक भी हो सकता है या गर्म गर्म चीजें भी बहुत खा रहे हैं। उष्ण विरियात्मक मतलब जैसे कि बाहर का आपने चाट मसाला वगैरह बहुत ज्यादा खाया, तो वो पित्त का प्रकोप करके और अतिसार कर सकते हैं। या फिर अत्यंत द्रव पिया, जैसे कि बहुत ज्यादा जूसेस पिए आपने, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिया, अति प्रमाण में कोल्ड ड्रिंक पिया, या बहुत ज्यादा जूसेस पिए आपने, फ्रूट जूसेस, या फिर बिना फ्रूट वाला ऐसा पानी बहुत ज्यादा पिया, अगर आपने 2 लीटर 3 लीटर पानी जबरदस्ती पिया, तो यह अतिसार का हेतु रहता है। फिर अत्यंत स्थूल, अत्यंत शीतल, शीतल में फ्रिज के पदार्थ बहुत ज्यादा खा लिए, बहुत ज्यादा हैवी, अति स्थूल। मैंने ऐसे देखा था, मेरे पास एक पेशेंट आए थे साउथ अफ्रीका से, वो बोलते थे कि डॉक्टर साहब मुझे इतना ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब एनआरआई ही थे, मतलब इंडिया नहीं थे। वो बता रहे थे कि मैंने ना वहां पर जाके, यहाँ पे वहां पे गए थे साउथ अफ्रीका में, उनका बिजनेस है, वो बोल रहे थे कि मैंने वहां पे जाके जो ये बैल होता है ना, बैल की पूंछ मतलब बुल टेल, इस तरह का कोई डिश होता है जो पचने में बहुत हैवी रहता है, और वो खाते टाइम अल्कोहल पीना जरूरी होता है, नहीं तो वो पचता नहीं है। तो वो सिर्फ वो सब खाया उन्होंने, जबकि इंडियन थे वो, यहाँ पर उनको उतनी अग्नि अच्छी नहीं है, और लेकिन दोस्तों के साथ उन्होंने खाया, जो बैल होता है, बैल का पूंछ का कुछ डिश खाया उन्होंने, और उसको पकाने में ही कुछ तो 72 आवर्स लगते हैं, तब वो पकता है, लेकिन वो स्थूल होता है बहुत ज्यादा। तो ये चीज उन्होंने खाया तो तकलीफ हो गई। इसी तरह से विरुद्ध भोजन किया, जो संयोग विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही है, विरुद्ध भोजन। तो जो लोग चाय पराठा वगैरह कंटिन्यू खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, या दूध और नमक, दूध और मछली, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, ये जो है संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध अगर खा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जम्मू के लोग रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में के यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा वड़ा पाव वगैरह खाने लगते हैं, तो सब बीमार पड़ जाते हैं, लूज मोशन वगैरह होने लगता है, क्योंकि वड़ा पाव जो है वो यहाँ के देश के लिए साथ में, और वो भी एक खाया दो खाया, ठीक है, अगर वो टेस्टी लगता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगे, तो ये शरीर को नुकसान देता है। मात्रा विरुद्ध भी है, देश विरुद्ध भी हो जाता है। फिर काल विरुद्ध, अगर अभी ठंडी का सीजन है और लोग आइसक्रीम खाने लगे 1-1 किलो, तो फिर उससे भी क्या होता है कि फिर अग्नि उपपात हो जाता है। ये सारे कारण है कि अग्नि उपपात हो जाते हैं और अतिसार होने लगता है। फिर अजीर्ण में भोजन करने से, रात का खाया पिया पचा नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन सुबह टाइम हो गया और खा लिए। अपक्व भोजन करने से, कच्चा कच्चा चीज खा रहे हैं जो मतलब अच्छे से पचा नहीं है, तो ये सब करने से क्या होता है कि फिर अग्नि उपपात हो जाता है। फिर विषम भोजन करने से, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, या असमय में खा रहे हैं, मतलब टाइम नहीं है, अग्नि अच्छा नहीं है, और हाँ कुछ लोगों को आदत होती है रात को 3 बजे उठ के खाना खाने लगते हैं। 3 बजे खाना खाने का टाइम है क्या? लेकिन लोग को कैसा होता है कि कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, या नींद पूरी नहीं हुई, या कुछ कुछ ना कुछ होता है, तो उल्टा पुल्टा खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और रात को खाने लगते हैं। तो ये असमय भोजन, ऐसे बोलते हैं कि राक्षसों का टाइम होता है रात को खाने का, तो ये 2-3 बजे को ही खाते हैं क्या? तो ये असमय में भोजन करने से अग्नि उपपात हो जाता है। फिर पंचकर्म का भी इन्होंने बता दिया है कि आप लोग पंचकर्म करते हैं तो स्नेहन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा घृत पिला दिया आपने, बहुत ज्यादा वमन हो गया, बहुत ज्यादा विरेचन हो गया, इनका अतियोग हो गया, मिथ्या हो गया, हीन योग हो गया, इससे भी अग्नि उपपत हो जाता है। फिर विष का सेवन, स्थावर विष या दूषी विष का सेवन करना, तो स्थावर विष मतलब कोई पेड़ पौधे वगैरह का कोई चीज ज्यादा खा लिया, या दूषी विष खा लिया बहुत ज्यादा, या भय से डर से भी अतिसार हो जाता है, या डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है तब भी अतिसार हो जाता है, या गंदा पानी पी रहे हैं, और दूसरा क्या करें कि बहुत ज्यादा पानी भी ज्यादा मात्रा, अत्यंबु पान जो है वह भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो भी अतिसार हो जाता है, बहुत ज्यादा मदिरा पी रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहे हैं, या फिर प्रकृति के विरुद्ध या ऋतु के विपरीत आहार कर रहे हैं, फिर जल में बहुत देर तक स्विमिंग कर रहे हैं, पानी में बहुत देर तक रह रहे हैं, तो उनको भी अतिसार हो जाता है, और मल मूत्र और अधोवेग के वायु को रोकने के वजह से वायु उपपत हो जाते हैं और ये अतिसार होता है,
या पेट में कीड़े हो जाते हैं तो अतिसार हो जाता है, या पक्वाशय दूषित हो गया, मतलब इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा दुष्टि हो गई, बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया, टॉक्सिन्स जमा हो गए, सामता बहुत ज्यादा है और टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, तो ये सब कारण होते हैं अतिसार के। मैं अनम्यूट करता हूं आप लोगों को, आप लोग आइए और कुछ बताइए अपने केसेस, बहुत मजा आएगा आप लोगों के साथ चर्चा करके। जी डॉक्टर टिंकल यादव जी, जी सर आपके प्रणाम पास सर। हाँ प्रणाम, कैसे केसेस आ रहे हैं कृपया बताइए। सर, अभी ज्यादातर तो अग्निमान वाले ही केसेस ज्यादा आ रहे हैं सर मेरे पास, जी और तप के कारण अग्निमान रह रहा है लोगों का, तो जी उससे प्रतिसाय भी हो तो रहा मतलब है क्या हेतु क्या रह रहा है, क्यों अग्निमंद रह रहा है? मोस्टली सर। ज्यादातर पेशेंट तो हेतु उनका यही रहता है कि सर्दी लग गई है उनको, कहीं यात्रा वगैरह उन्होंने किया या फिर गुरु अन्नपान का सेवन कर रहे हैं, तो जी इस वजह से उनको जो है हो रहा है। जी ज्यादातर तो यही रह रहा है कि कहीं यात्रा या बाहर घूम के आ रहे हैं जो लोग, वो अक्सर हो ही रहे हैं पीड़ित। जी तो हम लोगों को बस ये है कि आम का पचन कर देने से भी पूरा लाभ मिल रहा है सर। जी इस तरह से मैं भी आचक दे के जुगर वगैरह सबकी चिकित्सा कर ले रहा हूँ तो अभी। आप अभी व्याधि प्रतिनिक के पहले आप हेतु जरूर निकालते होंगे अभी आजकल। जी सर, जी सर, जी जी सर, हाँ, क्योंकि आपने व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा किया, लेकिन अगर हेतु नहीं निकाल के उसको नहीं क्लियर किया तो वो व्याधि बार बार होती है, रिकरेंस होता है बार बार। जी सर, जी सर, जी सर। हेतुओं में सर ये भी है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि उनको बस यही रहता है कि जो हम लोग खा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बस वही ठीक है। उसको उन्होंने बिल्कुल उसको अपना एक जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है, उसको छोड़ना भी तुरंत नहीं चाहते हैं। हाँ बहुत मुश्किल होता है फिर उनको जो है उस तरह का छुड़वाना। जी जैसे चाय का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पित्त जितने भी पित्त व्याधियों वाले जितने भी आ रहे हैं, जिनको पित्त विकार हो रहे हैं, वो तो इस तरह से सर करते हैं कि थोड़ा भी वो हुआ और मौका मिला और तुरंत खा लिया, फिर विकृति हो गई। तो जी काफी असुविधा रहती है कभी कभी कुछ मरीजों के साथ। जी 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 थैंक यू आपका। डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी, आप कुछ बोलेंगी, आपका कुछ अनुभव रहा है तो वो बताइए। डॉक्टर प्रणाम उषा, हाँ सर। जी बताइए, आपका कुछ अनुभव बताइए। हाँ जी सर, मेरा ब्रदर है सर। सर उसको प्रॉब्लम थी सर, वो मतलब ऑफिस की टाइमिंग उसकी सर ऐसे ही थी सर, कभी रात में और कभी दिन में सर। तो खाने का सर शेड्यूल बड़ा वैसा था, और खाना भी सर गुरु आहार खाते थे वो लोग सर, जैसे बहुत ऑयली और इस टाइप का सर फूड। तो सर उसको बार बार सर मोशन कभी बंद के आता था सर, कभी लूज मोशन आता था सर, तो ग्रहणी जैसे लक्षण थे। तो सर फिर निदानों का हमने उसको परिवर्जन बताया कि ऐसे से नहीं खाना है, और तक्र पर ही रखा सर, जैसे आपने बताया था ना जी तक्र के लिए। तो सर उसको बहुत रिलीफ मिला है सर, मतलब निदानों का परिवर्जन अगर हम कर दें तो उससे काफी कुछ ठीक हो जाता है सर। वही तो, संक्षेपता क्रिया है वो, निदान परिवर्जनम, ये आयुर्वेद का जी बेसिक है। हाँ हाँ जी, निदान से परिवर्जन। जी लेकिन जैसे ही वो निदानों का, जैसे बीच में उनकी वाइफ बना देती सर कुछ इस टाइप का फूड उनका मन करता है, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो यही कहते हैं कि नहीं, निदानों का तो परिवर्जन करना ही पड़ेगा तभी ठीक हो पाएंगे। और प्रज्ञापराध करते हैं इसलिए तो बीमार पड़ते हैं, इसलिए तो हमारे पास आते हैं। हाँ जी सर, जी सर अगर वो बिल्कुल। सब अच्छे ही हो जाए, सात्विक हो जाए, तो हमारा काम कैसे चलेगा। हाँ जी सर, जी सर कभी कभी उनका वही सर जीवा लोले भी बताया ना सर, एक वही ना, निदान। यही तो प्रज्ञापराध है, मालूम है कि खराब है तब भी लोग खाते हैं। हाँ जी सर, जैसे आजकल सब बच्चे आते हैं सर मेरे पास, पेशेंट आते हैं, तो सबका सर निदान यही रहता है कि पिज्जा खाते हैं, मैगी ज्यादा खाते हैं, तो सर वही डाइजेस्टिव उनका पूरा बिगड़ा हुआ है सर, बच्चों का भी, टॉफी चॉकलेट जी, सर। और पेट में कीड़े कितने होते हैं। हाँ जी सर, एग्जामिनेशन करते हैं माउथ का, तो सर सबके दांत सर डेंटल कैरीज जैसे सबको कीड़े लगे हुए हैं सर, तो जी फिर निदान पूछते हैं तो सबका वही रहता है सर। जी ठीक है, आप ऐसे करते रहिए। डॉक्टर उषा होला जी, आप कुछ बताएंगी अपना एक्सपीरियंस। देखिए बाद में फिर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को चांस नहीं मिल पाता बोलने का, आप कुछ बताइए। डॉक्टर स्मिता जी, आप कुछ बताइए, कुछ भी बताइए जो आपका अनुभव है आसपास का, या कुछ कुछ हेतु के बारे में बताइए, या कुछ केस बताइए।
डॉक्टर अनुरीता जी आप कुछ बोलेंगी अगर सुन पा रही हैं तो, कि क्रिकेट खेल रही हैं? मेरी नहीं सर, एक हफ्ते से तो क्रिकेट नहीं। हाँ सर, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। अभी फिलहाल ही मेरे फैमिली में पूरा सबको वायरल हुआ है, तो हर एक के बुखार का रीजन या उनका जैसे कोई हेतु अगर नहीं भी हुआ है, लेकिन निदान परियोजन करने के बाद में, लंघन देने के बाद में सबसे पहले रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि तो वायरल में सीवियर फीवर और विथ चिल्स होने की वजह से, और हेडेक बहुत सीवियर होता है, बॉडी तुरंत अस्थिगत ये मिल जाती है, संप्राप्तियाँ मिल जाती है। तो 2-3 दिन लगे मुझे कवर करने के लिए सबको, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अप हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो वो प्रैक्टिकली अभी मतलब और अच्छे से पता चल रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में। और आपका क्या विचार है, कोरोना है कि नहीं है? सर मेरा विचार है कि कोरोना नहीं है जो है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या हम ऐसे बोल सकते कि रसगत और रक्तगत दुष्टियां तुरंत होती है, और उसके बाद में जो भी आपकी जिसका जैसे नहीं, इम्यूनिटी अभी है, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों का खुद का अग्नि वीक है और मौसम चेंज हो रहा है ना। मौसम चेंज हो रहा है सर, अभी धूप दिन में निकल रही है, तो जो भी है वो विलयन होने के बाद में जो हमारे इसमें संधि काल में जो होता है ना सर, करेक्ट हाँ वही सिम्टम्स नजर। मैं परसों गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी सर, मुझे 4 दिन से सीवियर फीवर है, लेकिन एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ले पाई हूँ, पहले पेशेंट्स की वजह से, फिर माँ बीमारी रही थी तो 4 दिन मैं रात को जग रही थी, और 2 दिन से बेटे की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, हम बोलते हैं तो जिसको पॉसिबल है वो कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं है पॉसिबल, प्रैक्टिकली नोबडी इज देयर टू रन फॉर। तो मैं परसों गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी, आई वॉज अमिडस्ट द पेशेंट सारे, कोई फीवर है कोई ऐसा है, क्योंकि बेटे का मुझे फर्स्ट डोज 16 ईयर्स है ना, वो उसका जी, फर्स्ट डोज का जो भी है उसके लिए मुझे लेके जाना था। तो मैंने देखा कि सारे अपर रेस्पिरेटरी ऐसे कोई भी डिफरेंट, या बस हाँ लोगों को डर जो है उस डर की वजह से बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है उनकी रिकवरी। मैंने अब तक सर, मैं बीमार हूँ लेकिन 3 दिन से मैंने अब तक 7 ओमिक्रॉन के पेशेंट घर में सिर्फ रसपाचक, महासुदर्शन घन, गुरुचि घन और लंघन, लघु संतर्पण, ऐसे करके मैंने ट्रीटमेंट दिए। Within 24 hours बुखार भी कम हुआ है, अग्नि भी बढ़ा है, पेशेंट भी ठीक है, और सबसे मेन चीज RT-PCR तो करने के लिए नहीं बोला, इधर CRP और ESRC मुझे पता चल रहा है कि हाँ पेशेंट अभी पॉजिटिव होने वाला है या फिर निकलेगा। तो क्योंकि हो क्या रहा है सर, अपने एरिया में सारे RT-PCR पॉजिटिव आ रहे हैं सर, यहाँ से एवरीबडी, तो इसकी वजह से मैंने RT-PCR बंद ही कर दिया, CRP ESR और हीमोग्राम करा लेती हूँ, बस जिसका प्लेटलेट WBC RBC में थोड़ा चेंजेस है उसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट रहते हैं, बाकी सबको मैंने टिकर के रखा। और मैं थोड़ा हल्दी और नमक का गरारा और प्रतिसारण जिसका टॉन्सिल है अपर रेस्पिरेटरी, बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। जी थैंक यू आपका। वैद्य थैंक यू सर। रविशंकर शर्मा जी, वैद्य रविशंकर शर्मा जी आप कुछ बताएंगे आपका अनुभव? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके बताइए, और नहीं तो डॉक्टर ये एस मूर्ति जी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, कुछ अपने अनुभव अपने पेशेंट के बारे में बताइए, नहीं तो डॉक्टर स्मिता जी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं आगे का श्लोक पढ़ूंगा। सर सिर्फ एक पूछना था सर, हाँ एक पेशेंट है जो छोटा बेबी, मैंने उसे डिस्कस किया था, ब्रेन ट्यूमर ट्यूब दो जिसका ऑपरेटिंग हुआ, सो उसको जी सब चीज में रिजल्ट मिला है, रिवाइव भी हो रही है, लेकिन उसका WBC 1.5 हज़ार है, जिसकी वजह से वो शांत हो गया, उसके यूरिन में से वाइट वाइट एल्ब्यूमिन निकलता है, लेकिन वो बच्ची पानी भी नहीं पी रही है, ड्रॉप ड्रॉप करके सिर्फ मेडिसिन जा रही है, और उसका बस्ती भी 24 आवर्स, परसों का बस्ती 48 आवर्स रिटेन है, तो जी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही हूँ कि गलत नहीं, हूँ। आप सही हैं। अगर एल्बुमिन जा हाँ रहा है तो एक हमारे सर का फॉर्मूला बुक में देखिए, एल्बुमिन काढ़ा करके, वो देने से 24 आवर्स में कंट्रोल हो जाता है। बच्चे को वो दवाई ही नहीं ले रहे सर, इतना उनका क्या है, पहले सर्जरी आपके सर से वो डरे हुए थे, तीसरा ऑपरेशन वो बचा लिए, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि बेबी शांत हो गई, मतलब ब्रेन का प्रॉब्लम है, ड्रीम से कुछ तो भी, उसका CSF निकालते थे ना, तो टैपिंग उसका 1 हफ्ते से टैपिंग नहीं हुआ है, क्योंकि तो टैपिंग का फ्लूड ही नहीं वो मिल रहा सब है। ठीक है, आप वो दीजिए तो ठीक है सर, थैंक यू सर। चूर्ण है, वो एक एक चुटकी भी चटा देंगी तो फायदा हो जाएगा। हाँ वही वही, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।
सर इतने छोटे बेबी को मैंने स्वर्णमाली निवसंत और स्वर्णाभ चला रखा है, बहुत तो बढ़िया, स्वर्ण प्राशन तो बताया ये ना, तो स्वर्ण मलिनी वसन तो हम प्रेगनेंसी में भी सेफ सेफली देते हैं, उसमें क्या है? वो पेशेंट रेडी नहीं थे, मैंने जबरदस्ती मतलब मेरी योजना से दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है पेशेंट का लाइफ सस्टेन होना चाहिए, वही मैं स्वर्ण सोच मलिनी वसन, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण भस्म, ये सब तो देते हैं हम बच्चे, एक दिन के बच्चे को रहा भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर उषा जी, स्मिता जी, आप कुछ बताइए। सर मुझे एक केस के बारे में पूछना था। हाँ, और आप कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। सर मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। जी एक केस है जिसका स्पेनेक्टॉमी हुआ है जी और उसे लूज मोशंस हो रहे थे, तो जी उसके लिए किस तरह ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए? देखिए, रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो यकृत और प्लीहा है। हाँ, यकृत और प्लीहा। एक जगह रक्त की उत्पत्ति होती है, एक जगह विनाश होता है। तो अब क्या है, स्प्लेनेक्टॉमी किया, वहां से एक मूल स्थान निकाल दिया, तो कोई भी ऐसे सर्जरी किया, आघात किया, तो अग्नि तो मंद होगा ही होगा। तो जी हाँ, तो हमें क्या करना है कि पाचक सारा देना है, दीपन पाचन करने वाला द्रव्य, और अतिसार हो रहे तो अतिसार की चिकित्सा करना है। तो इसमें आप कुटजा ऋषि दे सकते हैं, फिर सर मैंने बिल्वा। कुटज घनवट्टी दी थी, जी लहसुन आदि वटी दिया है, कुटज घनवट्टी और शंख वटी दिया है, जी तो पर तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है तो उसको प्लेटलेट काउंट भी कम था। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए तो गुडुचि सत्व है, पपीते का पत्ते का रस है, ये हाँ सब पपीते देना। के पत्ते का रस बताया था वो ले रहे हैं, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, अभी भी नहीं तो उनका क्योंकि प्रॉब्लम। आपने दीपन पाचन दिया, आरोग्य वर्धिनी, सन शमनी वटी, ऐसे कुछ स्ट्रांग दवाई दीजिए। अच्छा, हाँ, आरोग्य वर्धिनी वटी लेंगे तो इसमें क्या होगा कि रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान है, आपने स्प्लीन ही निकाल दिया, तो इसलिए ना वो इम्बैलेंस हो गया। तो इसलिए आप, या तो आप तापयादि लो दीजिए, या नवाइस लो दीजिए, जो रक्त धातु को भी बलवान करे, क्योंकि यहाँ पर क्षय हुआ है ना, कोई भी चीज का आशय आपने निकाल हाँ दिया तो वायु का प्रकोप हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा रक्त धातु को मजबूत करना है। तो फिर इसीलिए आपको क्या करना है जी कि आपको ताप्य दिलाओ, नवाइस ताप्य दिलाओ, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त धातु को बल देता है, तो इसलिए आप ना ताप्य दिलाओ, नवाइस लो दे दीजिए साथ में, और जो दे रही है वो सही है आपका। और सर जो उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उसके लिए इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कल्प यूज कर सकते हैं क्या? ये आरोग्य वर्धनी है, कितना बढ़िया, वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। या हम लोग आयुर्वेद में ऐसे करते हैं कि सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, AKT देते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं। जी सर, जी थैंक यू। आप ऐसा करिए, कुटजा ऋषि दीजिए, या बेल का बिलाजी लाता है वो सांडू का, वो खिला दीजिए एक एक चम्मच। हाँ कुटजा रिस्ट भी है मेरे पास, मैं वो देती हूँ। हाँ, नहीं तो संजीवनी वटी, कुटज घन हाँ हाँ वटी, गुण कुटज घन परपटी, ये सबसे हो जाएगा। जी जाति जी फलादि चूर्ण। जी जी थैंक थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर एस मूर्ति जी, वैद्य रविशंकर शर्मा जी, कुछ बोलिए आप लोग, कुछ केसेस बताइए। डॉक्टर देवराज माहौर जी, कुछ भी सर। बताइए। प्रणाम जी सर। हाँ, प्रणाम देवराज जी, बताइए। सर मुझे तो बस सुबह सुनने को अच्छा लगता है। ठीक है, सुनिए सर, फिर आप शाम को बताइएगा। हाँ, दिव्या अग्रवाल जी, आप बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, वो कल मेडिसिन आई थी सर शीप बलावल, हाँ तो सर जैसे मेरे हस्बैंड को सर अभी प्रॉब्लम नहीं है सर, लोअर बैक पेन की ना सर, जैसे कुछ सर्दी होती है या फिर कुछ कुछ हैवी वेट उठा रहे तब होती है, तो सर अभी मैं बस से स्टार्ट करूँ कि करिए कैसे? करिए, आप अभी अगर स्नेहन कर देंगी तो बाद में तो लाइफ लॉन्ग फायदा ही होगा ना। ये ठीक है सर। मात्रा बस्ती अगर देंगी तो हाँ जी वो सर। स्नेहन तो हो जाए, क्यों इंतजार अच्छा करना है कि वजन उठाएंगे, फिर कमर दर्द होगा, फिर बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर कितने ml से स्टार्ट करें और कितने दिन के लिए? मैं 100 ml देता हूं, अब आप डिसाइड करें कि आप कितना दे सकती हैं, जो भी ठीक देंगी है। आप दीजिए, और स्नेहन शोधन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन करके दे दीजिए अगर ठंडी बहुत ज्यादा है तो। ठीक है सर, ठंडा तो है बहुत देहरादून। हाँ, नहीं तो आप इतना बर्फ जैसा तेल डालेंगी तो उससे और बात प्रकोप होगा। ठीक है सर।
और नस से तो दीजिए, वो संजय जी जो है एमबीबीएस डॉक्टर, वो 20-20 ड्रॉपर डाल लेते हैं नाक में, मतलब तो 300 ml एक बार नाक से पी लेते हैं तेल, सोचिए। और मतलब वो तेल जाता का है पता ही नहीं, वो सारा ब्रेन एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा। हाँ जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। वैद्य रविशंकर शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं आगे का श्लोक पढ़ूंगा। डॉक्टर उषा जी, आप कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं, किसी को कोई केस बताना है तो हैंड रेज करिएगा, हम लोग अतिसार की संप्राप्ति पढ़ते हैं, अगर कोई कुछ भी बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करिएगा। अतिसार की संप्राप्ति में बहुत बढ़िया बताया है कि ससाम्यपाम धातुम अग्निम प्रविद्धा शक्रेन मिश्रो वायुनाधा प्रणुन्नः, इतना बढ़िया ये बता रहे हैं। सरत्यवती सारम तमाहु व्याधिम घोरम षड्विधम तम वदन्ति एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोके नान्यः षष्ट आमेन च उक्तः, इतना मतलब बढ़िया बता रहे। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, कृपया आप चैट बॉक्स, अच्छा यहाँ बोल दे संजय सर का केस डिस्कस करिए। अच्छा संजय सर अभी आज शाम को आएंगे, तब उनके सामने ही केस डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो जो मेरे पास आए ना डॉक्टर, उनका ही केस हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो संप्राप्ति बताया ना, उसका बारे में हम लोग देखते हैं। ये बहुत बढ़िया, इन्होंने संप्राप्ति के बारे में बताया है कि अतिसार की साधारण संप्राप्ति बताते हैं। तो पहला जो शब्द है, अब हम ना शब्दशः पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ना एक एक शब्द का महत्व है। अब ये बता रहे हैं कि सशम्यापम, तो इसका मतलब है, सशम्य का मतलब होता है कि शांत होकर, ऐसा होता है। और इसमें कुछ कुछ णिच् प्रत्यय वगैरह सब लगा है, तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अपाम धातु मतलब आप धातु वाले जो भी तत्व है शरीर में, जिसमें मतलब जल महाभूत है, जैसे कि रस धातु है, जल धातु है, जल है शरीर में, फिर मूत्र है, स्वेद है, मेद है, कफ है, पित्त है, और रक्त आदि जितने भी जलीय भाव है, वे सारे जो है वो दूषित हो जाते हैं यहाँ पर। अतिसार में केवल ऐसा नहीं सोचिए कि केवल पानी आ गया, इसमें रस धातु भी विकृत होता है। इतना देखिए सूक्ष्म विचार किया इन्होंने, जल भी शरीर का, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे शरीर में 70% जो है वो लिक्विड है, मतलब वाटर है। पृथ्वी भी बना है तो पृथ्वी में भी 70% पानी है, तो फिर मूत्र भी दूषित हो जाता है, स्वेद भी, मेद, कफ, पित्त और रक्त आदि जितने धातु हैं वह सब ना दूषित हो जाते हैं। इसी को चरकाचार्य जी ने बोला है कि शोणितादीन धातुन दुष्यंता, मतलब शोणितादि तीन सारे जो जलीय धातु हैं वह सब दूषित हो जाते हैं। और इसमें तीन दोष तो है ही, बात पित्त का वो तो होंगे ही, बिना वायु के तो चलेगा नहीं काम, और रक्त और पित्त, रक्त और सॉरी वायु तो दूषित हो गए, पित्त और कफ भी दूषित हो जाते हैं क्योंकि वो जलीय रहते हैं। तो इसमें रक्तादि धातुओं को दूषित करते हुए फिर दोषों के स्वभाव अनुसार अनेक वर्णयुक्त अतिसार को उत्पन्न करते हैं, ऐसा चरकाचार्य जी बोलते हैं। माधव निदान में बता रहे हैं कि यहाँ पर जब अग्नि मंद करने वाले हेतुओं का सेवन ज्यादा होता है तब क्या होता है कि जो आप महाभूत है शरीर का, वह मल मूत्र के रूप में रहे, स्वेद के रूप में रहे, मेद के रूप में रहे, ये सारे दूषित हो जाते हैं। और अधा प्रणुन्नः, ये जो सेकंड लाइन में बोल रहे हैं अन्नः प्रणुन्नः, मतलब ये अधो मार्ग में गुद मार्ग की ओर प्रेरित किए जाते हैं। सरति, सरति का मतलब यह है जो थर्ड लाइन में है, सरतिवती सारं तमाहु, मतलब इसमें ऐसे बता रहे हैं कि बहुत जोर से अतिसरण करता हुआ प्रवृत्त होता है, मतलब लूज मोशन, पतला एकदम पानी की तरह होता है। तो इस तरह से इन्होंने सरत्यतीव, मतलब जो जोर से एकदम धार की तरह निकलता है, इसलिए इसको अतिसार ये बोलते हैं, सरति इति अतिसार, जो गुद मार्ग से अनेक विध द्रव धातु अति वेग पूर्वक निकलते हैं, इसलिए इस रोग को अतिसार कहा गया है। निरुक्ति भी जो रहती है वो कभी कभी सिम्टम टाइप बन जाती है, मतलब इसी सबसे बताया है। और इसमें मेन जो रहता है वो जाठराग्नि मंद होना, ये सबसे मेन रहता है। अगर जाठराग्नि अच्छी रही तब ये सब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अब चिकित्सा जो हमें करनी है, हमें केवल स्तंभन और ग्राही द्रव्य नहीं देने,
हमें कभी भी अतिसार की चिकित्सा करनी है तो मतलब अग्नि पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर अग्निमंद होना यही सबसे मेन है। फिर बता रहे हैं कि अधोमार्ग से मल निकलती रहती है, और जब अब हम लोग ये सोचेंगे कि ग्रहणी रोग और अतिसार ये तो एक जैसे बीमारियां हैं, लेकिन ग्रहणी रोग जो रहता है उसमें मोहरबद्धम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, मतलब कभी कभी बंधा हुआ आएगा, कभी कभी पतला आएगा। अतिसार में बंधा हुआ नहीं आएगा, इसमें पतला ही आएगा, कंटिन्यू पतला ही आएगा। ग्रहणी में भी दस्त आते हैं, अतिसार में भी दस्त आते हैं, दोनों का मार्ग भी एक ही है, कार्य भी एक ही है, फिर क्या भेद है, ऐसा टीकाकार पूछते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि और दूसरा क्या है कि अतिसार में जैसे वातातिसार वगैरह में है, इसमें बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये होता है, मतलब अल्पम अल्पम मुहुर मुहु, थोड़ा थोड़ा अतिसार आ रहा होता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, मतलब वातातिसार और ग्रहणी रोग में। लेकिन ग्रहणी में कभी कभी बंधा हुआ आता है, ग्रहणी में बंधा हुआ आएगा, कभी 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 पेशेंट को ऐसे गुठली गुठली निकलेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन होगा, क्योंकि उसमें खाना आधा पचता है आधा नहीं पचता है। इधर क्या है कि ये पचना ना पचना इसका कोई मतलब नहीं है, अग्नि मंद है तो मंद है, जो खाया पिया है वो सब लिक्विफाई होके सब निकल जाएगा। फिर ये बोलते हैं कि इसमें बार बार थोड़ा थोड़ा उतरते रहता है, लूज मोशन होते रहता है। और फिर अतिसार जो है यह कैसा बताया है कि छह टाइप का बताया है इसमें माधव निदान में, वातातिसार है, पित्तातिसार है, कफातिसार है, सन्निपातातिसार है, शोकातिसार है, आमातिसार है। तो इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो चलो उसका ये दवाई दो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए हम इस पे और ज्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे। हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने आना चाहिए कि वातातिसार क्या होता है, पित्तातिसार क्या होता है, कफातिसार क्या होता है, सन्निपातातिसार क्या होता है, शोकातिसार, अमातिसार, ये छह टाइप पढ़ के फिर पेशेंट में हमें एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम पेशेंट में एनालिसिस करते हैं तब हमें समझ आएगा कि हाँ ये पेशेंट शोकातिसार का है, ये पेशेंट आमातिसार का है, ये पेशेंट कफातिसार का है। इसीलिए ना हमें ना अपना पढ़ाई बार बार पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब हम जब ऐसे दोषों के हिसाब से व्यवच्छेद निदान कर लेंगे तो फिर हमें ना ट्रीटमेंट करना बहुत इजी जाएगा और हमारा ट्रीटमेंट और परफेक्ट होगा। इसलिए माधव निदान पढ़ के अपने आप को स्ट्रांग करना जरूरी होता है। अब आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर सुनीता पाल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी, जी हाँ ट्विंकल जी आप बोलिए सर। ये वातातिसार को कैसे पहचानेंगे सर? हाँ वो अभी आएगा आएगा आएगा, इंटरेस्टिंग है सब। हाँ सर, एक हाँ बार क्या हुआ कि मैंने एक पेशेंट को विरेचन दे रहा था, जी तो अच्छे से चल रहा था विरेचन, तो जी मैं अपना एक योग बना लेता हूँ सर, मैं उससे विरेचन देता हूँ मोस्टली पेशेंट को। तो उसमें मैं क्या करता हूँ सर, के सौंफ 5 ग्राम, जी सना 5 ग्राम, निशोथ 5 ग्राम, और बड़ी हेड़ का छिलका 5 ग्राम, और अमृतास का गूदा जो है वो मैं 10 ग्राम, इस तरह से उनका क्वाथ बना के पेशेंट को सुबह शाम पीने के लिए देता हूँ। जी तो उससे विरेचन में कराता हूँ रोगियों को। तो जी मैंने उनको विरेचन चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार इन्फेक्टेड जो है पालक खा लिया, विरेचन जी था ही, और ऊपर जी से अहितकर आहार भी ले लिया। तो पता चल रहा सर के पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया, काफी मुश्किल से कवर करना पड़ा। जी बहुत असुविधा रहती है जब भी कभी विरेचन के टाइम पे कोई पेशेंट इस तरह से ले ले तो जी खराब ही हो जाता है फिर। जी जी सर, अभी जो वातातिसार का प्रश्न पूछा ना, इसमें क्या होता है, पेट में उद्वेष्टन होता है, पेट में मरोड़ आता है, वायु के सारे सिम्टम दिखेंगे, झागदार रहेगा, फिर उसके बाद में पीड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, पेट न पेशेंट न कहारते रहता है, ऐसे उसको दर्द रहता है और मरोड़ आता है, कॉलिकी पेन होता है, कुछ ऐसे मरोड़ रहा है इस तरह का पेन होता है, और क्योंकि रुक्ष गुण बढ़ा हुआ होता है वायु का, ये बेसिक चीज याद रखें। पित्तातिसार में क्या रहेगा कि पित्त के सिम्टम होंगे, दाह पाक वगैरह रहेगा, कफातिसार में कफ म्यूकस टाइप निकलते रहेगा,
और फिर बाकी जो है सन्निपातातिसार में तीनों दोष के, मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। शोकातिसार में तो लूज मोशन होते रहते हैं, डिप्रेशन में कोई इंसान गया तो वो लूज मोशन बेड पे भी हो जाएगा। मेरा एक क्लासमेट था, उसका ये हो गया था, उसकी वाइफ छोड़ के भागी और डिवोर्स का केस डाल दिया था, तो उसको बेड पे इतना स्ट्रेस में था, इतना स्ट्रेस में था, अपनी पत्नी से जिसको प्यार होगा और उसकी पत्नी ऐसे भाग के और नोटिस दे देगी तो फिर टेंशन आता है, तो वो बेड पे उसको सारा लूज मोशन कंटिन्यू होते रहता था। तो ये शोकातिसार है। और एक होता है आमातिसार, उसमें आम के सारे ये होते हैं, मतलब अपचन होगा, भूख नहीं लगना, और जो मल होता है वो कच्चा कच्चा निकलता है, आमातिसार होता है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, हम आगे और पढ़ने वाले हैं। इस पर आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर सुनीता पाल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या इस पे, बोलिए या कोई और केस बताइए, लेकिन बोलिए आप। सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता जी, हेलो। हाँ नमस्कार सर। सर हाँ नमस्ते, बताइए। कोविड पॉजिटिव चल रही हूँ अभी मैं। अच्छा, आपको भी कोरोना ने आपको भी छोड़ा नहीं? जी सर। फीवर तो ठीक है, बस थोड़ा कफ हो रहा है, अभी वीकनेस आ रही है बस। ठीक है, और क्या सिम्टम है आपके बॉडी में? इस समय तो ठीक है, 3 दिन से फीवर था, अब तो ठीक है सर। तो आपने कैसे ठीक किया आपने आपको, मैंने सर आयुर्वेद से ही ठीक किया है। तो बताइए ना, सब लोग सुनेंगे। मैंने त्रिवन कीर्ति रस और दो दो गोली सुबह शाम ली थी, सनसनी बटी, और आयुष काढ़ा हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो सप्लाई आता है, और I-64 2-2 टेबलेट सुबह शाम, जी और अगस्त हरित की अवले वो 5-5 ग्राम खाली पेट, और खाना बिल्कुल छोड़ दिया था जी दो लंगर खा तीन दिया था पूरा अपने आप को। जी तो 3 दिन में फीवर तो ठीक है, और वो नस ले रही थी दो दो तीन तीन बार आड़ू तेल का, जी बट आज मतलब फीवर नहीं है कल से, और कफ है थोड़ा वीकनेस है बस। देखिए, आप फीवर से निकल भी गए हैं और कोरोना को मात करके आप माधव निदान पढ़ने आई हैं, कितना बढ़िया। जी सच में आप मतलब ग्रेट हैं, आप लोग जो इतना सुबह सुबह ठंडी में भी पढ़ रहे हैं। नहीं सर, ग्रेट तो आप हैं, आपको देख के लगता है कि आपको इतना फीवर था, फिर भी आप आ गए, नमाज़ों निदान शुरू आपका कर। आवाज भी नहीं निकल रहा है सर, फिर भी आप सिखा रहे, दैट द रीजन हाँ वी आर मेरा थैंकफुल। गला भी बैठा है, नाक भी बंद है, तब भी मैं बोल रहा हूँ। नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ तो अजीब नहीं लगता है क्या आपको? हाँ एक सर, मिनट अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई नहीं किया ना तो लगता है कि ब्रेन को खाना नहीं मिला, मतलब हम हमारे ब्रेन को चाहिए ये सब पढ़ाई। जी ठीक है, तो आप सुनीता जी आप ठीक हो जाएंगी, और लंघन करिए, और कुछ फिर ठीक होने के बाद रसायन खाइएगा तो बहुत अच्छा मजा आएगा। सर मैं अपने पेशेंट को अश्वगंधा और अमल की चूट देती हूँ, मतलब 2 ग्राम अमल की और 1 ग्राम अश्वगंधा के, मतलब इस रेशियो में मिला के, जी और वायरल वाले जितने भी आते हैं मेरे यहाँ पेशेंट, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ काफी पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। आप कहाँ पे है? मैं कानपुर देहात रनिया में पोस्टेड हूँ सर। कानपुर में? तो फिर आप तो गवर्नमेंट की भी सेवा कर रही हैं, मतलब हाँ गवर्नमेंट का। हाँ वही तो, कितना बढ़िया। जी आप लोगों की वजह से तो भारत में गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है आयुर्वेद को। अगर आप जैसे श्रेष्ठ चिकित्सक ना हो तो गवर्नमेंट का तो मन ही हट जाएगा आयुर्वेद से। नहीं सर, बहुत अच्छा है इस समय, मेडिसिन भी बहुत अच्छी आ रही है सप्लाई में, पहले तो इतना अच्छा नहीं था, और मरीज अच्छे भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, आप स्वस्थ हो जाइए, दीर्घायुष्य प्राप्त हो आपको, और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा चले, सब लोग ठीक भी हो जाए आपके यहाँ से। थैंक ओके धन्यवाद यू। सर। एक बात पूछनी थी, बट बेटे को फीवर आ गया है, 17 ईयर का है, जी और वो लंघन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है, आप लंघन वैसे मत कराइए ना, युक्ति पूर्वक कराइए। आप सुबह चावल का मंड दे दीजिए, शाम को यूज दे दीजिए दाल का पानी, मॉडिफाई कर दीजिए उसी को, या फिर मतलब लंघन को, या फिर शुंठी का पानी या षडंग पानी दे दीजिए, या त्रिकटू का पेया बना दीजिए। सर दूध नहीं दे सकते, दूध बहुत पीता था, दूध मैंने बिल्कुल बंद कर दिया अभी। दूध पचेगा क्या? हाँ दूध पचेगा नहीं, इसलिए बंद कर दिया मैंने। हाँ दूध छोड़ के ऐसे लिक्विड पे रखिए ना उनको, और बोलिए कि भूख लग रही है तो खाओ ना, किसने मना किया है, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं करके दाल का पानी पिला दीजिए पहले। हाँ सर, लेकिन जो है वो बोले क्या हस्बैंड खाना की देंगे,
बोलिए हम खाना देंगे, पहले दाल का पानी पी लो और उसके बाद में उसमें आप थोड़ा सा त्रिकटू डाल दीजिए। ओके सर, हाँ, और खाने में जब खा रहे हैं तो अदरक और लहसुन का चटनी खिला दीजिए। हाँ, ओके सर, तो थैंक खाना यू, खाए ना, अदरक लहसुन का चटनी के साथ खाए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक सर, ओके, थैंक थैंक यू यू जी। सर। हाँ, एक डॉक्टर लता मैम है पुणे की, डॉक्टर लता पुणे ऐसे लिख के आ रहे हैं। मैम आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकते हैं। नमस्कार अरविंद पाठक सर जी, जी नमस्ते। कैसे है आपकी तबीयत? अभी मेरी तबीयत ठीक है लेकिन गला बैठा है, नाक बंद है। वो आपके आवाज से समझ में आ रहा है सर। सर जी मैंने अभी ज्वाइन किया है, और पीछे क्या चल रहा था ये नहीं सुना है। आप कोई भी केस बताइए कि आपके आसपास कैसे पेशेंट आते हैं, आपने कैसे किया, क्या है? सर अभी तो कोविड के केसेस चल रहे हैं, जी और महाराष्ट्र में पुणे से हूँ, तलेगांव दाभाड़े से। जी तो तलेगांव दाभाड़े में अभी कोविड केसेस बहुत सारे हैं सर, लेकिन बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी, बहुत समझाने के बाद भी। तो बुखार, खांसी, गले में खरोच, कुछ पेशेंट तो 2 दिन में ही ठीक हो रहे हैं, और कुछ पेशेंट हफ्ता भी लग रहा है उनको, डिपेंड्स। तो यही लंघन वगैरह इसी हिसाब से जा रहे हैं सर। फ्रूट्स वगैरह सबको बंद करने के लिए बोल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं लेने का है, मंडपे या विलेपी इस हिसाब से जाना है। पेशेंट स्ट्रिक्टली मंडपे या विलेपी पे नहीं जाते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि चावल और मूंग दाल भून के उसकी बिना मिर्ची वाली खिचड़ी, जिसको घी और जीरे का छोक लगाया हुआ, ऐसे खाओ, वो भी थोड़ा थोड़ा खाओ, आपको जितनी भूख है उससे आधा ही खाओ, और फिर मेडिसिन पे हो रहे सर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जी मतलब अभी तक मेरा कोई भी ऐसा वर्सन सिचुएशन में पेशेंट नहीं गया है। जी जैसा पेशेंट है हेलो वैसा सर, हमें थोड़ा चेंज होना पड़ता है। जी हेलो सर, हाँ जी बताइए, बोलिए। क्या है ना कि पेशेंट अगर हमारा बात मानते हैं तो और अच्छा है, अगर पेशेंट नहीं मान रहे, जैसे कि वो मैम ने बताया कि जो लंघन नहीं करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दीजिए कि आप खाना खाने के लिए दीजिए और उसमें थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दे दीजिए जो दीपन पाचन में रहे, तो वैसे करने के तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। जी हेलो सर, हाँ जी बताइए। हाँ सर आप ही बोल रहे थे। हाँ हाँ मेरा हो गया। डॉक्टर दीप्ति जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? प्रणाम जी, प्रणाम सर। जी। अभी इन्होंने, लता मैम ने एक बहुत बढ़िया बात बोला कि फ्रूट्स नहीं खाने देना है। ये वसंत ऋतु जब शुरू होगा ना, और अभी का जो शिशिर ऋतु है, इसमें बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाने देना है लोगों को। फ्रूट्स खा के पानी पी लेंगे तो कफ का प्रकोप और बढ़ जाएगा। हाँ दीप्ति जी अब आप बताइए। हाँ जी, बराबर है सर। और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं ना जो वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, तो वो खाना स्किप करके फ्रूट्स पे रहते हैं, वो भी रात के टाइम पे। तो ये भी बहुत बड़ा हेतु मिल जाता है। जी फ्रूट्स खाते हैं, सलाड्स खाते हैं, तो और भी कच्चा चीज उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बाकी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो मैं भी मना करती हूँ फ्रूट्स खाने को रात को टाइम पर, तो मना करती हूँ 12 महीने के लिए। तो डे टाइम में या फिर मॉर्निंग में वो खाने को बोल देती हूँ, रात को खाएंगे तो वो भी दिक्कत होता है बहुत। जी और बताइए, आपने सर कुछ और सर केसेस? लोगों को फ्रूट्स नहीं खाने के लिए बोला ना, तो भी लोगों को लगता है वो सबसे हल्का आहार वही है, और हाँ खाना बंद कर दिया तो सबसे पहले फ्रूट जूस ही बोलते हैं। बाहर का तो फ्रूट जूस बंद कर देते, लेकिन घर में लोग, बच्चे भी तो और सबके दिमाग बुखार में होने के बाद में मिनरल्स फ्रूट्स ही खाते हैं। मिनरल्स विटामिन ये सब भरा हुआ है ना। हाँ, खिचड़ी बोले तो मिर्च डाल के खाते हैं सर, उनको लघु का मतलब ही नहीं समझता है। अग्नि जब तक नहीं प्रदीप्त होता है तब तक मैं घी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम अगर समझते गोघृत हैं अग्नि का कॉन्सेप्ट। मैम, जी मैं बात करूँ सर, हाँ हाँ करिए। मैम अगर अगर फिर बुखार के 3 दिन वगैरह हो जाते हैं, और पेशेंट बहुत ही आर करता है कि मुझे फ्रूट्स खाने ही है, तो हम उनको अनार बोल सकते हैं खाने के लिए, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन आफ्टर 3 डेज उसका फीवर कम होते जा रहा है, तो क्योंकि सर क्या हो रहा है, पेशेंट सुनते नहीं है, उनके दिमाग में इतना सारा बैठ गया है कि बीमार है तो फ्रूट्स खाना ही है,
तो हमें पहले उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी कि आप फ्रूट्स खाएंगे तो, जैसे सर ने अभी कहा कि वसंत ऋतु है, कफ प्रकोप अभी होने वाला है, ऋतु का तो ठीक है, सिर्फ वसंत ऋतु में ही बोल के नहीं, सभी ऋतुओं में जब बीमार होंगे तो अर्ली स्टेज में पहले हफ्ता में फ्रूट अवॉइड ही करने के है। और उसमें ही पेशेंट अगर बहुत ही अर्क कर रहा है तो दाल आना दालिम वगैरह बोल सकते हैं कि थोड़ा सा खाओ भाई, लेकिन बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। और फिर उसके साथ में फिर हम उनको मनु के 3 4 दिन होने के बाद में एक दो खजूर ऐसा खाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 4 डेज। मैम, जो आज का हमारे यहाँ का टेंडेंसी है, यहाँ पे अनार भी मिलता है ना, तो रेड एंड कलर का मिलता है, अगर वो कपड़े पे गिर जाए तो दाग लगता है, मतलब दे आर नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक। दूसरा, जो भी फल बताए जाते हैं, एप्पल, ये 8 दिन का 7 दिन का पुराना एप्पल रहता है, मतलब उसका वीर्य कैसे होगा आप जान सकते हैं। लेकिन बाहर जो भी ये जूसेस और फ्रूट का कंसेप्ट है, उस इसमें उनको यही लगता है, अगर खाना बंद कर दिया है और लंघन बोला गया है, तो पानी के बाद में फ्रूट जूस ही है, तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं। कितना भी उनको बताया तो उनको वीकनेस, जिनका अग्नि अच्छा है उनको तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि आपको अगर खाना है तो आप मंड पे या बिलीपी ऐसी इस पे खाएंगे तो ये आपको फायदा देगा। लेकिन ये फ्रूट जूस और ये कंसेप्ट से लोग बाहर ही नहीं आ, और उनको और ना मेन हम बात है, पागल फ्रेश है फ्रूट ऐसे जूस नहीं लगता पीते हैं, फ्रेश नहीं है। पीते हैं आजकल, रियल वो जो डब्बा बंद आता नहीं, है वो रियल पीते तो बंद कर दिया सर, मैंने दिखा दिया रियल में कितना है, 80% सैकरीन है सर, बाकी का प्रिजर्वेटिव एडेड फ्लेवर है, और जिस रियल फ्रूट का नाम लिखा रहता है वो 0.07% भी नहीं होता है। जैसे मार्केट में एलोवेरा जूस के नाम पे 7%, 0.10% के नीचे एलोवेरा होता है, बाकी सारा केमिकल ही रहता है, तो वैसे ही रियल फ्रूट में भी है। लेकिन जो आज के फ्रूट है सर, आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जितने आम, जितने पके हुए चंदन नगर में जितने फ्रूट मिलते हैं, 200 300 किलो के ऊपर मिलते हैं, एवरीथिंग इज विद कार्बाइड एंड एवरीथिंग इज विद पेस्टिसाइड। इसलिए आप देखिए, पहले पांडुजन्य संप्राप्ति में एक 3 4 दिन के बाद में जब भी फ्रूट जूस से ऐसे ही कुछ बोला जाता था, जैसे मैं भी डाइट थेरेपी, न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट में करती थी, तो मेरा एक प्रोटोकॉल रहता था बीट गाजर और इसका जूस, तो तब सर 15 दिन में HB में कुछ डिफरेंस नजर आता था। अभी तो सर कुछ भी नजर नहीं आता है, विटामिन डी सबका डिफिशियंट है, कैल्शियम सबके लो लेवल पे है, जो अच्छे से घी 2 2 5 5 किलो महीने में खा रहा है उसका भी सर दिक्कत है, बिकॉज एवरीथिंग इज एडल्ट्रेटेड। तो इसलिए अभी फिलहाल तो अनकलर्ड दाल और इसके ऊपर थोड़ा तो भरोसा रख सकते हैं, ग्रीन्स पे, तो मंड पे या विलेपी, और उसको भी सिद्ध करके अग्नि प्रदीप करने के लिए जीरा, अजवाइन, त्रिकटू या पंचकोल, ऐसी चीज का इस्तेमाल। लेकिन जो सुनते हैं सर उनको रिजल्ट मिलता है। अभी ये छोटा बेबी मैंने इतना मुश्किल से कवर किया सर, उसमें उसके चक्कर में मैं बीमार गिर गई, लेकिन वो उसको दूध ही दे रहे जिससे वो कफ का उल्टी करती है, उनको लगता है वो ब्रेन की वजह से कर रही हूँ। मैं उनको समझा रही हूँ कि वो छोटा बेबी है, उसको दूध मत दीजिए, दूध देंगे तो वो उल्टी ही करेगी। मैंने शहद के साथ में अलग अलग तरह की चाटन दी है, तो वो शहद खुद ब खुद लेती है सर, इतना होने के बावजूद भी उनको नहीं समझता, नहीं बच्चा है वो दूध ही पी रहा था, और एस्पिरेशन कराना पड़ेगा, सीएस से फ्लूड निकालना पड़ेगा, मतलब समझा समझा के रात के 11 11 12 बजे तक वही चलता है, कि आप उसको 5 बजे 4 बजे दूध मत दीजिए। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि आप हल्दी और सूंठ से सिद्ध करके, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की एकदम एंड स्टेज है, और मतलब 100% वहां पे प्रोलिफरेशन होगा, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल से वो अपब्रिंग हो रहा है, पहला वाला उसका ट्यूमर 5 mm था, बाद में वो 4.8 हुआ। अब जब भी वो दूध पीते तो उल्टी होती, तो सीधा वो कफ कारक है और इसकी वजह से वो सीधा उल्टी कर रही है, लेकिन घर वालों को समझ ही नहीं रहा, उनको लग रहा है नहीं बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, दूध दिया जाए, तो समझते ही नहीं है लोग, और मतलब ऐसी कंडीशन में ना सर हम हार जाते हैं। अब मैंने उनको एक और सुझाव दिया कि हम आरटी फीड करते हैं, क्योंकि तो दूसरा कोई चारा नहीं, बचते और भी ना वो मेरे को इतना तो दूध। एक डॉक्टर का फोन आया कि सर हम यहाँ दूध का दही जमाते तो दही बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या, वो दूध भी नहीं है, दूध सर का केमिकल है सर, आप ये शिंदे डेयरी वगैरह, मैं वही तो बता रही हूँ सर, मैं कितने सारे पेशेंट का दूध ही बंद कर दिया है, दही फटता भी नहीं है और फटने के बाद में भी उबलता है सर, आप बताइए दूध फटने के बाद में उबलना चाहिए क्या? उबलता ही उबलना ही नहीं चाहिए, मस्त तो उसको मलाई भी आती है, नीचे फटा हुआ रहता है। मैं बहुत बहुत कुछ करती रहती हूँ सर, ट्रायल, और सब चीज से मैं हेतु निकालती रहती हूँ, कितना भी लोग बोले विटामिन डी, कैल्शियम डिफिशियंट, ये डिफिशियंट वो डिफिशियंट, सब अग्नि और ग्रहणी के पेशेंट है। मैं जी। तो कल क्लास ले रही थी सर फर्स्ट ईयर का, अन्न व स्रोतस भी मैंने 2 लेक्चर्स अभी तक लिया, और उनको सिर्फ इतना ही बोला है, अगर आप अन्न द्रव अन्न द्वेष
अग्निमान्द है, अरोचक दूर नहीं कर सकते हो, आप कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते हो, बस इतना जान लो। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है तो पहले यही सिस्टम करो। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर मुझे कुछ पूछना है, छोटा सा हाँ केस है। जी एक प्रोलैप्स फाइल्स का केस है, पेशेंट को फाइल्स का हिस्ट्री था पहले से ही, और ना थोड़ा सा एक जो लगाने की हैबिट थी, एक्चुअली वो अर्टिकेरिया के लिए आए थे तो वो ठीक हो गया, उनको सब समझा दिया था कि घृतपान वगैरह करना वगैरह सब समझा दिया था, उससे उनको कभी कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत भी ना आए, वो ठीक हो गया था। फिर भी ना उनको मोशन अच्छा आ रही थी, फिर भी वो थोड़ा सा जोर लगा रहे थे, तो अचानक से एक दिन उनको एक प्रोलैप्स फाइल हुआ, और वो भी उन्होंने एक दिन दो दिन पेन सहन कर लिया, उनको लगा कुछ हुआ होगा। फिर तीसरे दिन आए तो बहुत इन्फ्लेम्ड था वो पाइल्स और बहुत टेंडरनेस था, तो फिलहाल तो मैंने उनको सप्तविंशति कुकुर ऐड किया है और चांगेरी ग्रुत खाने को दिया है और मूषक तेल कपीचू रखने के लिए दिया है, तो उनको पेन वगैरह टेंडरनेस सब सबसाइड हो गया है, बट वो जो प्रोलैप्स हुआ है पाइल्स वो पूरा कम हो सकता है क्या अभी? 100% कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। आप AKT दे दीजिए, अमृता गुगुल, केशर गुगुल, त्रिफला गुगुल। क्योंकि हाँ देखिए त्रिफला जो है वो अनुलोमन भी करेगा और हाँ वहां की संप्राप्ति को भंग कर देगा त्रिफला गुगुल। आप त्रिफला गुगुल पूरा पढ़िए जहां पर भी आपको मिलेगा उसका। जी जी हाँ तो त्रिफला AKT तो बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन में। प्रोलैप्स ऑफ पाइल्स मैंने किया है, मेरे पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैशोर को और क्या करता है कि रक्तगत आम का पचन करता है, माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करता है क्योंकि इसमें गुडुचि है, और हाँ इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। हाँ और ये जो है अमृता गुगुल वो तो है ही, गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायन, उसमें अर्श शब्द आया है, मतलब अर्श पे काम करता है। इसलिए अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल ये आप ऐड कर दीजिए, बाकी तो आपका चिकित्सा बेस्ट है। जी, और एक बार अपने अर्श को मतलब एक्सटर्नल पाइल्स को लगाने के लिए लेप बोला था हाँ जिसमें अर्थिंग वो मोरचूद वगैरह कुछ कुछ था, लेप। हाँ बट आपने बोला था कि थोड़ा सा इरिटेंट भी होता है बट उससे हाँ कम हो हाँ जाता है, तो ऐसे हाँ कंडीशन में भी वो काम करेगा, 100%। बट वो अगर लगाते लगाते नॉर्मल स्किन पे लग गया तो वहां पे इरिटेशन होता है क्या? हाँ होता है, कापूर है, भीमसेनी कपूर है ना, होता है। हाँ लेकिन 1 घंटा लगा के फिर निकाल दीजिए। किसी किसी को वॉश क्या कर दे होता रहे ना है, फिर। वॉश करना है, दिन भर रखेंगे रात भर रखेंगे तो वो स्किन निकल जाती है, जल जाता है वो। एक्चुअली प्रोलैप्स पाइल इतना बड़ा है ना सर, पहले मैं कंफ्यूज हो गई कि रेक्टल प्रोलैप्स है कि क्या है, पाइल्स छोटे छोटे तो थे पहले, तो पहले मुझे रेक्टल प्रोलैप्स, बट फिर उस मुझे वो ओपनिंग ही नहीं दिखा रेक्टम का, रेक्टल प्रोलैप्स में अंदर का म्यूकोसा वगैरह सब दिखता है ना, और वो जी रेडिश बहुत रहता है, वो वैसे नहीं दिखा मुझे, बस स्किन और इतना हार्डनेस था, तो फिर मुझे लगा कि ये वो नहीं है प्रोलैप्स पाइल है। मैंने 2 दिन बुलाया उनको कि कुछ चेंजेस होते हैं क्या, बस टेंडरनेस इंड्यूरेशन तो कम हो अर्श गया, और सॉफ्ट हो लेप गया तो बहुत उनका। बढ़िया काम है, श्रिंक हो जाएगा ये पूरा जितना भी है ना हाँ प्रोलैप। हाँ श्रिंक होना चाहिए और उसके रूट स्ट्रांग हो के वो अंदर खींचना चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। हाँ, आप यही करिए और अग्नि पे काम करिए, और जैसे आम पाचक कुछ दे दीजिए और हाँ तक्र वो दे तो दीजिए। अच्छा है सर, अर्टिकेरिया के लिए जस्ट हुआ था उनका, अग्नि अच्छा है और उनको मोशन आ भी रही है अच्छे से, बट उनको क्या है ना समझ ही नहीं है कि अगर 5 मिनट लगता है देरी तो उनको लगता है अरे मुझे नहीं हो, वो जोर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो उन उनकी गलती की वजह से उनका ये हुआ है। जी, प्रवाहन करना। हाँ जी प्रवाहन कर लिया बहुत ज्यादा, पता है फिर भी कर लिया जी तो वो निकल गया, और फैटी लिवर भी था उनको, तो पहले तो कभी कभी होती थी तकलीफ, बट अभी मेडिसिन से अच्छा है, एक्सरसाइज वगैरह सब अच्छे करने लगे हैं, बट फिर भी प्रवाहन किया उन्होंने तो फिर ये हो गया, और जी वो इतने अल्पसत्व है ना, हर चीज का बहुत फियर है उनको, तो वो वेट ही नहीं करना चाहते, अगर मोशन नहीं आ रहा है 10 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो वो प्रवाहन कर लिया उन्होंने तो फिर खाने मूवमेंट। में घृत भी रख दीजिए। घृत बहुत बोला है मैंने, अर्टिकेरिया था ना बहुत, रुक्षता थी तब से, जी दाढ़ी मादी घृत तो पंचतिक्त घृत सब हो गया, फिर अभी उनको बोला कि ऐसे ही नॉर्मल घृत कंटिन्यू खाते रहिएगा, तो कम से कम 10 स्पून ले रहे हो डेली, वो आपके पास मोशन उस लेप समय का बोल रही फॉर्मूला हूँ है अच्छा ना? है। हाँ जी, आपके पास लेप वाला फॉर्मूला है ना? है हाँ तो वो दे दीजिए, श्रिंक हो जाता है 7 दिन में ही पूरा, हाँ ठीक है, बट वो पेशेंट को खुद को भी लगाने को बोलूँ ना, खुद ही हर लगा, रोज या का हाथ आप धोने के लगा लिए दीजिए, आप भी लगवा सकते मैं हैं। थोड़े दिन। अच्छा आप ठीक लगा है के 1 घंटे बाद उनको क्लीन करने को बोल दीजिए, कंटिन्यू नहीं रखना है नहीं तो स्किन निकल जाता है फिर। हाँ, एक दिन का घंटा रोज का 1 ही घंटा सिर्फ है ना, हाँ, पूरा कम होने तक तो कितने भी दिन लगा सकते हैं ना? मेरे को तो 7 दिन में रिजल्ट आता है।
अच्छा ठीक है, मैं फिर 6-7 दिन ही ट्राई कर दी, क्योंकि हाँ अगर अगर सर्जरी अगर अवॉइड हो गई तो अच्छी बात है ना इतने सी चीज के अच्छी बात लिए। है। क्या है, मेरे को तो एक किसी का फोन है कि सर हमने ना 5 बार सर्जरी कराया ये हिमोराइड्स का, उसके बाद भी हमें फिशर हो रहा है और ये हो रहा है, उन्होंने फोटो भी भेजा। तो क्या फायदा अगर आप सर्जरी करा रहे हैं और संप्राप्ति भंग नहीं किया, अग्निमंद है, मल संचिति है, तो क्या फायदा हुआ? तो जी सर्जरी कराना तो अच्छा नहीं रहता मेरे हिसाब से। जी ठीक है सर। ठीक है फिर बताइएगा। और क्या है, हाँ हाँ तक्रपान और ये एकेटी रहते हैं, वो सब सब डाइट वगैरह सब अच्छा है सर उनका। ये एकेटी क्या करते हैं, टोनिंग भी अच्छा कर देता है, वो जो प्रोलैप्स है ना तो हाँ टोन अच्छा कर देगा वो सब। जी ठीक है ठीक है फिर बताइएगा। जी। हाँ और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर तापस जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं सुबह सुबह। डॉक्टर मनोज कुमार जी, कैसी तबीयत है आपकी? प्रणाम सर, प्रणाम सर, कैसे हैं? मैं दीप्ति ठीक हूँ सर। जी, इनको डॉक्टर ने मनोज जी को बोला था SLE डिजीज है और IBS है, और इन्होंने लंघन कर करके, आम पाचन कर करके खुद को ठीक कर लिया। सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरा गला बैठा है, नाक बंद है। तो अभी आपने ये पहला ही आज ही सेशन लेना शुरू किया क्या सर? कल तो था अभी नहीं तो यहाँ। देखिए सुपर हिट 16 लोग आ गए आज, अचानक शुरू किया और आ भी गए लोग। सोचिए कितना लोग में क्रेज है कि आयुर्वेद पढ़ना है, सीखना है। कल आज से सर कुछ क्लासेस डिसकंटिन्यू करोगे कि सर? 7 वाला तो नहीं करोगे अभी? सब करूंगा आज से, सब शुरू हो जाए। अरे मुझे सर आयुर्वेद पहले की तबीयत जहां ठीक मानी कर लीजिए मिली, सर, 1-2 दिन आराम कर लीजिएगा सर। एक दो दिन ऐसे आराम करिए सर, फिर माधव मन डीना ही भी लग ठीक है। मन ही नहीं लगता आयुर्वेद के बिना। नहीं, सर और थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि फिर बाद में ना यही वीकनेस बहुत है। मैंने भी ऐसी मजा ऐसी ओपीडी किया, अभी 2-3 दिन से खुद को ही संभाल नहीं पा रही हूँ। ऐसे मत करिए, रेस्ट करिए सर। माधव निदान चलिए, वो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है अपने लिए, लेकिन बाकी आराम करके फिर मंडे से शुरू करिएगा सर। जी ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अष्टांग हृदय में जिनको आना है आ जाइएगा। प्रणाम ठीक है सभी सर। लोगों को। हाँ प्रणाम सर।